तो हे गाइस, अब मैं हम घर आ चुका हूँ और इसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। तो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी शाम के हो रहे हैं 7:30। तो अभी हमारा तो आज मैं सच ब्लॉग इतनी लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे आज जाना है लुधियाने अपने राहुल के पास, जो कि हमारा बड़ा भाई है, उसके पास जा रहे हैं, उसको सरप्राइज़ देना है। तो उसे पता नहीं हम वहाँ आ रहे हैं, तो अब बस अब उसकी तैयारी में, तो आज मैं इतने बजे ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस, अब हम तैयार तुर तो हो गए हैं, सब पैकिंग वगैरह कर लिया, तो अब हम चलते हैं स्टैंड, फिर पकड़ते हैं बस, फिर चलते हैं, फिर मिलता हूँ गाइस सीधा बस पकड़ने के बाद। तो गाइस, बस में तो बैठ चुका हूँ, फैमिली आगे बैठी है और मैं लास्ट वाली सीट पे बैठा हूँ, और यहाँ पक्का भी चल रहा है मस्त। तो चलो गाइस, बस मस्त ही बस मिली है, एक लास्ट बस है लुधियाने जाने के लिए, तो अब तक बस चली नहीं, तो चलो जब चलेगी अभी मस्त सीट तो मिल गई आराम से, काफ़ी अच्छा लग रहा है सीट मिल गई। अब काफ़ी एक्साइटमेंट भी है गाइस कि मैं अब मिल रहा हूँ अपने बाइक को, बाइक के पास जा रहे हैं। तो चलो गाइस, देखते हैं कब तक बस चलेगी। तो मस्त हवा तो मस्त आ रही है, पक्का चल रहा है ये वाला। हाँ, बस चल चुकी है मसे गाइस, चली थी फिर रुक गई गाइस। जब हम पहुँच चुके हैं फगवाड़ा, तो यहाँ पर अभी बस रुकी है, पहला स्टॉपेज आया है हमारा, देखते हैं गाइस कब तक बस चलेगी। वैसे मेरे यहाँ पर सारी सीट खाली पड़ी है, बाकी देखते हैं जल्दी चल पड़े तो, बाकी तब तक। मैं सबसे एंड में बैठा हूँ गाइस, बाकी सब एंड, मैं एंडली वाली सीट पे बैठा हूँ। तो गाइस अब बस, तो गाइस अब हम लुधियाने आ चुके हैं, बस थोड़ी ही दूर में बस आने लगा है। चार पाँच किलोमीटर रह गया गाइस बस लुधियाना, वैसे उसके अंदर तो आ चुके हैं, बस जहाँ उतरना है वो बस चार पाँच किलोमीटर में रह गया बस। तो गाइस, तीन चार बार भाई का फोन आ चुका है, कहाँ पहुँचे हैं, बट अभी तक हम पहुँचे ही नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो गाइस पूरे 10 बज चुके हैं, बस पहुँच गए हैं, बट उसको अब फ़ोन करता हूँ फिर वो आएगा। तो अभी यहाँ से चल चुकी है, सिर्फ 5 मिनट ही यहाँ रुकी थी, तो बेस्ट है 5 मिनट रुकी यहाँ पर, बस चल पड़ी है, बाकी देखते हैं अब कब तक पहुंचाती है लुधियाने। तो हे गाइस, अब मैं हम घर आ चुका हूँ और इसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो गाइस, आते ही खाना वाना कुछ नहीं खाया, सीधा ब्लॉग शूट करने लगा। तो कल का ब्लॉग गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना। और गाइस, हमने ना मैं सीधा बस से उतरा, बस से उतर के सीधा घर पे आके शूट किया, क्योंकि उसके बीच में कुछ भी टाइम नहीं मिला। तो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और फाइनली गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है इसे मिलके, और कल हम दोनों भाई जाएंगे घूमने। सरप्राइज दिया गाइस इसने, सरप्राइज, हमें पता भी नहीं था ये आ रहा है। यहाँ पहुँच के फिर एकदम इसने फोन किया कि मैं आ गया, मुझे आ जाओ लेने। तो फिर हम गए एकदम, हमने सोचा ये क्या हो गया।
कल तो गाइस हम कहीं जाएंगे, वहां का भी ब्लॉग शूट करेंगे, तो कल का भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब रोटी के लिए आवाजें पड़ रही है, अब जा रहे हैं हम रोटी खाने, रोटी भी नहीं खाई और 11 बज रहे हैं गाइस। तो चलो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।